देश की सरहद की सुरक्षा में सीने पर गोलियां खाने के लिए 24 घंटे तैयार रहने वाला एक फौजी पत्नी की बेवफाई से इस कदर टूट गया कि गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। पातेपुर के बलीगांव थाना क्षेत्र के भर्तीपुर गांव की यह घटना है। पड़ोस के गांव की एक लड़की के साथ फौजी ने लव मैरिज की थी। लड़की की फैमिली ने किडनैपिंग का केस दर्ज कराया था। कोर्ट में लड़की के मुकर जाने से वह बुरी तरह टूट गया। मृतक अनिल कुमार उर्फ कृष्ण कुमार भर्तीपुर गांव का रहने वाला है। रांची के 9वें बिहार रेजिमेंट में उसकी पोस्टिंग हुई थी। फिलहाल वह लखनऊ में तैनात था। सुबह जब घर के लोग सोकर उठे तो अनिल को मृत पाया। सीलिंग फैन से उसका शव लटक रहा था। लंबे गमछे का फंदा बनाकर वह फांसी पर लटक गया था। सेना ज्वाइन करने से पहले ही अनिल का अफेयर बगल के गांव गन्नीपुर बहानपुर की एक लड़की से चल रहा था। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद नौकरी में पूरी तरह जब सेट हो गया तो वो लड़की को भगा कर ले गया लखनऊ आर्य समाज मंदिर में शादी की। लड़के के घर वालों को उन दोनों के बीच प्रेम संबंध की बात पहले से पता थी। करीबी गांव होने के कारण लड़के की फैमिली संबंध के खिलाफ थी। लड़की ने जैसे ही घर छोड़ा फैमिली ने उसके किडनैपिंग पर पुलिस में केस दर्ज करवा दिया। पुलिस ने 164 के बयान के लिए लड़की को कोर्ट में प्रस्तुत किया था। इस बीच ताजपुर पुलिस और फैमिली ने लड़की को दबाव देकर खिलाफ में बयान देने के लिए तैयार कर लिया। लड़की ने कोर्ट में अनिल के खिलाफ बयान दे दिया। कोर्ट ने लड़की को उसके घर वालों के हवाले कर दिया है। अनिल को जब ये जानकारी मिली तो उसे गहरा धक्का लगा। पत्नी से मिलने गया तो ससुराल वालों ने उसे मिलने नहीं दिया। वह बुरी तरह टूट गया था। कई दिनों से वह डिप्रेशन में भी था। फौजी की मौत के लिए ताजपुर पुलिस को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। उधर फौजी की पत्नी के परिजनों को तत्काल गिरफ्तार करने व एसपी डीएम को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। नेक्स्ट टू 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।